2019 का जो है फर्स्ट डे का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अनिरुद्ध स्टूडेंट जो अभी जो है एग्जाम देकर आए हैं, उनसे पूछते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। आइए चलते हैं। एक्चुअली इस शिफ्ट का थोड़ा पेपर मॉडरेट आया है और पहली कंपैरेटिवली पहले शिफ्ट से थोड़ा हार्ड हो चुका है। अब लेवल जीके का लेवल काफ़ी हार्ड हो चुका है क्योंकि करंट अफेयर्स 8-9 ही आए जा रहे हैं। स्टैटिक भी बहुत अलग तरीके से पूछी गई है इस बार। करंट में भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे कि पर डायनेस्टीज़ है जो मैं सुबह भी एनालिसिस खुद पढ़ के गया था, वो रिपीट हो रही है। चंद्रगुप्त डायनेस्टी और इन सब के बारे में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो इंग्लिश का लेवल और इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल तो सुबह से मैं देख ही रहा हूँ, बहुत ईजी आ रहा है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिपीट हो रहे हैं, फिलर्स भी सिर्फ प्रीपोजिशंस पे पूछे जा रहे हैं और पैराजम्बल्स एक दो आए हैं काफी हार्ड, लेकिन वो मॉडरेट थे, उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा था। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स का लेवल भी बढ़ा दिया है इन्होंने, क्योंकि सुबह मैं देख रहा था तो वो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं आप देखते ही एकदम क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं, पर ये थोड़े कैलकुलेटिव थे और जो आइडेंटिटीज लग रही थी ये a³ - b³ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं काफ़ी, और इस शिफ्ट में मेरे में अब सर्कल्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, टेंजेंट के ऊपर और कॉर्ड के ऊपर। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग का लेवल भी बढ़ा दिया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। नॉन वर्बल रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस थे और आपकी सिलो थी 2-3 और एनालॉगी थी, ईसी थी एनालॉगी, जीएस। हाँ तो अगर टोटल बात करें जीएस का कैसा रहा? जीएस में कंपैरेटिवली अब मैंने अटेम्प्ट तो अराउंड 19-20 करे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी थी। और पर लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, अब डायनेस्टीज के ऊपर क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया अभी आ रहे हैं। साइंस और साइंस फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से मुझे एक ही याद है कि हॉर्स पावर की वैल्यू पूछी थी वॉट्स में कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसमें दे रखी थी। और आपका करंट में मैंने जैसे बताया इंटरनेशनल करंट अफेयर ज़्यादा पूछे गए हैं और 2-3 स्टैटिक 2018 के पूछे गए हैं, तो वो थोड़ा हार्ड मुझे लगा। ओके, थैंक यू।